What's up guys? हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है टकलू और आप देख रहे हैं मिस्टर टकलू को। तो दोस्तों, मैं ऑफिस से आ चुका हूँ। शाम का बज रहा है 5:30, टाइम देखा नहीं हूँ। तो मुझे लगा है भूख, और जब भूख लगा है और किचन में मैं जब गया तो किचन में था कुछ भी नहीं। और किचन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ चावल है। आप चावल का हम सोच रहे हैं कि क्यों ना चावल फ्राई कर लिया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए कि चावल फ्राई मैं कैसे करता हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और कॉमेंट करिएगा और अपना प्यार मुझे ज़रूर दिखाइएगा। दोस्तों, तब तक मैं जाता हूँ प्याज लहसुन और मिर्चा टमाटर काटने। तब तक के लिए आप मेरे कुछ रील्स देख लीजिए जो मैंने आज शूट किया है। और हाँ, रील्स पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे इंस्टाग्राम आईडी akashpati64 को फॉलो जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग रील्स इन्जॉय करिए। तब मैं आता हूँ प्याज मिर्चा और लहसुन टमाटर काट के आके दिखाता हूँ मैं कैसे अपना चावल फ्राई करता हूँ। छोटे माले से फेंकते हैं, तीन माले से दो बार फेंकते हैं, तीन तीन छे। ये क्या मजाक है, बकरा हूँ, मार दो फेंक दो, बिरयानी बना के खा लो। ये जयकांत शिक्रे हूँ, ये अगर सातो एक पाप दे तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातो को सात मारूंगा, एक सात मारूंगा। अरे रोक, बाप को कुत्ता बनाया था मैंने, तुझे भी मैं। अगर आपकी बेटी अपनी मन की बात आपसे ना कह पाए तो ऐसे रिश्ते का क्या फायदा। 5 साल का बच्चा भी अपना दर्द बताता है, माँ दिल की बात नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। कहता हूँ आप लोगों को मेरा रील्स पसंद आया होगा। तो मेरा देख सकते हैं, प्याज मिर्चा और टमाटर कट चुका है और यहाँ मैं तेल डाला हूँ। ज़्यादा तेल यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि सिंगल आदमी खाएगा, तो हल्का ही तेल डाला हूँ। और अब इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा मेथी और थोड़ा सा जीरा, गोटा मेथी, और उसके बाद में टमाटर और क्या बोलता हूँ ये मतलब इसको डालूँगा मेथी। अच्छा लगता है हमको भुंजा हुआ मेथी, तो हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा डाल दिए है, थोड़ा सा आँच कम कर देते हैं। और इसके बाद जीरा, तो जीरा कहाँ है, जीरा तो मिल ही नहीं रहा है, मेरा मम्मी कहाँ कहाँ रखती है, मिलता ही नहीं है जल्दी। तो जीरा तो मिल नहीं रहा है, गोटा जीरा आवाज से बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि जीरा है। अच्छा, आखिर में मिल ही गया दोस्तों जीरा, और मेथी भी लाल हो गया है। थोड़ा सा जीरा, इसको कहेंगे जीरा फ्राई, जो सेहत के लिए अच्छा भी होता है। और छोलने के लिए ये रहा मेरा छोलनी जो भुन जाएगा, जीरा इसको भुन देना है दोस्तों। दोस्तों, सेहत बनाने के लिए और अपना शरीर बनाने के लिए खाना बहुत आवश्यकता है, और वही मैं अभी खाऊंगा। वैसे आए तेल वेल तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन अब घर में कुछ है भी नहीं जो खाए, अब कुछ है नहीं तो भूख तो मुझे भी लगता है, कुछ तो करना पड़ेगा। सोचा चावल ही खा लूँ, बाहर मैगी वैगी ला के खा सकते थे, लेकिन मैगी वैगी खाना रोज़ रोज ठीक नहीं है, मैदा होता है। हल्का रिफाइंड में अगर यही सब भून के खा ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए दोस्तों, मेरा ये लाल हो गया है, अब ये डाल दिया है और थोड़ा देर इसको भून लेते हैं, उसके बाद मैं चावल डालूँगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे चैनल में और मुझे पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरे प्याज भून जा गया था इसलिए मैं इसमें चावल डाल दिया हूँ। चावल थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा सा
ठंडा हो जाने से जम जाता है, इसीलिए वो जम गया है, तो उसको भी थोड़ा सा तोड़ देते हैं और फिर चला देंगे उसको पानी से। तो अपना अनुसार ये ज़्यादा लेना भी नहीं चाहिए, पता नहीं तो सब खाए या ना खाए, इसलिए अपने अनुसार अपना जितना खाना उतना ले लीजिए। और इसमें हल्का सा हल्दी, इसे हल्दी डालने का ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना हल्दी वाला खाना पसंद नहीं है, चावल फ्राई में मुझे हल्का ही बिना हल्दी एक अच्छा लगता है, पर फिर भी मैं हल्दी थोड़ा सा डाल दूँगा तो फिर थोड़ा सा स्वाद आए, हल्दी और हल्का सा डालूँगा मैं मिक्स मसाला ताकि थोड़ा सा स्वाद आए। अब 5 मिनट भूनने के बाद मैं अपना पेट पूजा करूँगा, तो देख सकते हो दिखने में तो अभी से ही अच्छा ही लग रहा है, पता नहीं आप लोग को अच्छा लग रहा हो या नहीं, लेकिन मुझे तो कहते हैं ना खुद बनाओ खुद का खाना, लाखों में किसनों बनाओ बनाओ, अरे बोलना क्या चाहते हो, बोलना ये चाहते हैं कि खुद का बनाया हुआ खाना आखिर किसनों बने लेकिन अच्छा ही लगता है दूसरों के मुकाबले। और इससे मुझे याद आया कि मैंने तो इसमें नमक डाला ही नहीं, नमक भी डाल देता हूँ, हल्का नमक, ज़्यादा नहीं, नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हल्दी डालू या नहीं, हल्दी नहीं डालता हूँ, कहीं नमक ज़्यादा ना हो गया, नमक तो हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। दोस्तों हल्दी डाल दिया हूँ, ये देख सकते हैं हल्का ही डाला हूँ ताकि थोड़ा सा कलर अच्छा है, हल्का सा हल्दी जो होता है वो एंटीबायोटिक होता है, शरीर के लिए अच्छा होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंटीबायोटिक सारा कुछ होता है, जैसे सर्दी हो गया खांसी हो गया तो दूध के साथ पीने में शरीर में खांसी है उसको दूर भगाता है, इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ाता है, तो अच्छा हल्दी खाना भी चाहिए, थोड़ा सा हल्दी डाल देने से चावल पीला पीला भी हो गया अगर हल्दी की वजह से। 5 मिनट में इसको पकाऊंगा और उसके बाद मैं खाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा चावल फ्राई पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को मैं आज इतना ही रखता हूँ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा से अच्छा कॉन्टेंट दे सकूँ, फिलहाल तो ये घर का ही कॉन्टेंट है, धीरे धीरे बाहर आउटडोर इतना सारा कॉन्टेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।